एमपी के उमरिया में 23 मार्च शहडोल जोन की डीआईजी सविता सुहाने के नेतृत्व में उमरिया जिले के पाली एवं नरोजाबाद नगर के प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से संवाद किया गया। संवाद के दौरान डीआईजी सविता सुहाने ने जगह जगह लोगों से संवाद करते हुए होली का त्यौहार शांतिपूर्ण आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने एवं किसी भी प्रकार का नशा ना करने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने 19 अप्रैल को 22 अनुसूचित जनजाति शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में भी लोगों से चर्चा कर अधिक से अधिक मतदान करने की बात कही। आपने कहा कि बिना किसी भय प्रलोभन में आए और मतदान करें। कार्यक्रम है, कल से होली शुरू हो रही है, परसों धुलेरी है, फिर रंग पंचमी है और रमजान का महीना हमारा चल रहा है, तो 9 तारीख से नौ दुर्गा भी शुरू होगी, साथ में ईद भी आएगी और फिर अष्टमी और नवमी भी होगी और 19 तारीख को जो है आपका हमारा राष्ट्रीय महापर्व है। जैसे कि हम पूरे साल भर अपने त्यौहार मनाते हैं, दिवाली, होली, ईद, लेकिन हमारा 5 साल में एक बार राष्ट्रीय पर्व आता है, वो क्या होता है, वोट डालने का, जिसमें हम भारतीय नागरिक होने का, अपने सच्चे नागरिक होने का परिचय देने का हमको अवसर होता है। तो आपको 19 अप्रैल याद रखनी है और किसी भी तरीके से उसको भूलना नहीं है। उस दिन खाना खाने भूल जाना है। एक नारा है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।